Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. अपना वीकेंड जो है आपने भरपूर तरीके से इंजॉय किया होगा. संडे को भी खूब प्लान्स होंगे और चूंकि मूवीज भी लगी हुई है और सारा कुछ चल रहा है तो ऐसे में आप लोगों का वीकेंड उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छा गुजरा होगा. जनाब चूंकि सितंबर का महीना आगाज हो चुका है इसका, तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि 6 सितंबर से तक जो है अभी हम अपने तमाम तर जो शोधा है उनको किसी ना किसी अंदाज में ट्रिब्यूट पेश करें. चूंकि ISPR की जानिब से भी ये थीम रखा गया है कि हम सितंबर के आगाज से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे, तो आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शहीद, बल्कि दो हमारे पास शोधा होंगे जिनकी फैमिली से करवाएंगे और उनसे हम डिस्कशन भी करेंगे और उनको ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ रिसर्च शेयर करूंगी और उसके बाद फिर हम अपने शो का जो बाकायदा आपको मेहमानों से मिलवाना भी शुरू करेंगे. जनाब रिसर्च कुछ यूँ है कि मैक्सिको में दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच जो है वो तैयार किया गया. इंटरेस्टिंग रिसर्च कुछ इस तरह से कि दुनिया में आपको नित नए खाने जो हैं लवाजमात जो एहतमाम से बनाए जाते हैं, लोग बहुत शौकीन भी होते हैं. मुख्य जैसे पाकिस्तान की बात की जाए कि ओवरऑल इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा. जनाब ये रिकॉर्ड इस तरह से बना कि मज़ेदार सैंडविच खाने का दिल ललचाया उस शख्स का और उसने ये आइडिया पेश किया कि दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच बनाया जाए और इसके मुताबिक उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया उसने. मेक्सिको में बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों और माहिर शेफ समेत दर्जनों अफराद जमा हुए और उन्होंने जनाब एक सैंडविच बनाया जिसमें मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं उसके अलावा सॉसेस का इस्तेमाल किया गया और कई किलो जो है गोश्त भी इसमें इस्तेमाल किया गया. सिर्फ 2 मिनट और 29 सेकेंड में 70 मीटर लंबा और 865 किलो वजनी दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच तैयार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना जाया और इसमें बहुत जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर भी हो जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में. और इस इवेंट में बात की जाए तो बहुत सारे अफराद ने शिरकत भी की और मतलब दावत भी उड़ाई. लंबा सैंडविच लवर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक को कोई ना कोई किसी न किस्म का खाना पसंद होता है और वो उसके मुताबिक बनाते हैं. लेकिन दुनिया में बहुत सारे आइडियाज़ हैं और जो लोग उन पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं. ये कुछ इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए. अच्छा जी एक और रिसर्च भी है जनाब चीनियों के हवाले से. चीनी वो वाले चीनी, ये चाइनीज वाले चीनी की बात कर रही हूँ. जनाब 100 डिग्री पर घूमने वाला दुनिया का पहला पुल भी तैयार कर लिया गया है. आपने हैवी पुलर्स पे भारी वर्कम जो ब्रिजेस हैं वो तो देखे होंगे और आपने वो सुना लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन, ये वो वाले ब्रिजेस नहीं है. ये जनाब कर रहे हैं माहिर इंजीनियर्स ने चाइना में एक ऐसा ब्रिज तैयार किया गया है और जो 100 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल रोटेट भी कर सकता है और इसने ना सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया बल्कि 100 मिनट में 100 डिग्री घूमने वाला दुनिया का पहला पुल भी ये बन चुका है. और इस पुल को बनाने का मकसद ये था जनाब कि इस ट्रैक पर मौजूद जो रेलवे ट्रैक था उसको तबाही से बचाया जा सके. तो लिहाजा चीन में 3,350 टन वजनी ये पुल तैयार किया गया है और ताकि इस रेलवे ट्रैक को नुकसान ना पहुंचे इसलिए बनाया गया है. मुकम्मल स्टील के ग्लाइडर्स में बनाया गया है जो 12,000 टन वजनी ये अनोखा पुल 119 मीटर जो है वह लंबा है और अक्टूबर के एंड तक ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा और बिल्कुल ये गैर मुतवाजन और घूमने की सलाहियत रखता है. अभी आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज भी देख रहे हैं, ये वीडियो जो है ये उसी ब्रिज की है और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं और जो रेलवे ट्रैक है इसको भी नुकसान नहीं पहुंचा और ये ब्रिज जो है वो 100 डिग्री के एंगल पे रोटेट भी कर सकता है. तो जनाब टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोग भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, दुनिया बहुत तरक्की कर रही है और हम यहाँ पे बैठ के आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस तरक्की की कहानियाँ. वो किन राहों पे चल निकला, वो किस नगरी में जा बैठा, वो किस वादी में उतर गया, वो हंसते बोलते किधर गया. उसे आंखें ढूंढती रहती हैं और सबसे पूछती रहती हैं क्या उसके वापस आने का कोई कारण है मिल जाने का. अब सांसें बोलती रहती हैं, मेरी सोचें डोलती रहती हैं. शायद वो भटक कर आ जाए, शायद वो खोया मिल जाए, शायद वो सोया जाग पड़े, शायद वो रूठा मन जाए. आकाश अगर वो मिल जाए एक बार, अगर वो आ जाए मैं उसको छुपा के यूं रखूं फिर कभी न बाहर जाने दूं. जनाब ये मैंने एक नज़्म आपके साथ शेयर की और ये नज़्म जो है आज हमारे साथ एक मदर मौजूद हैं
और वो मदर जो है ये उन्हीं शहीद की हैं जो कारगिल में शहीद हुए, और कैप्टन काजी जवाद अकरम उनकी वालिदा और उनके भाई आज हमारे साथ मौजूद होंगे। और इस ख़ानदान को, इस फैमिली को ये एजाज़ भी हासिल है कि उनके जो बेटे के साथ साथ उनके जो दामाद हैं वो भी शहीद हुए। और आज हम वेलकम करेंगे मिसेस समीना काजी का, और उनके साथ उनके बेटे होंगे काजी वकार मजीद, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका, सबका शुक्रिया, आप हमें याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके बेटे के हवाले से, क्योंकि कारगिल की वहाँ में वो शहीद हुए। हम जवाद साहब की बात करें, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में जानना चाहिए। मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत जीनियस, बहुत लायक बच्चा, बहुत ऐसा बच्चा कि जिसको अल्लाह ताला ने बड़े फारिक टाइम में, जैसे एक बंदे को इंसान बना अल्लाह ताला ने बनाया, उसमें कोई खूबी ऐसी नहीं थी जो उसमें ना हो। शुरू में बचपन से बड़ा शरारती, बड़ा मतलब शरारती इस सेंस में नुकसानदेह शरारती नहीं था। उसको ये होता था अगर गाड़ी उसको मिल गई तो उसको उसने खोल के देखना कि ये कैसे बनी है, क्या किया, जीनियस, कहीं हम जा रहे हैं, जीनियस बच्चा, कहीं हम जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो अगली गाड़ी का नंबर उसने पढ़ना, अबू जी इस नंबर का ये देखे, ये नंबर ये लिखा हुआ है ना, ये पढ़ने की कोशिश करता था। तो उसकी पैदाइश हुई है सऊदी अरब में जी। तो वो माशाल्लाह पहले मेरी एक बेटी है बड़ी जी, और पूनम, उसके बाद फिर जवाद था, फिर उसके बाद मेरी बेटी है मुबीन है जिसके हस्बैंड की भी शहादत हुई है, और फिर नौरीन है, वो अमेरिका होती है, उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं, और छोटी बेटी समरीन है, उसके हस्बैंड भी बिजनेसमैन है माशाल्लाह। फिर ये बेटा है वकार है मेरा, तो अल्लाह का शुक्र है छह बच्चे मेरे हुए जी, दो बेटे चार बेटे जी, तो छह बच्चे मेरे हुए। और यकीन करें सारे बच्चे अपनी अपनी आदत के मालिक, अपने अपने सारे बच्चे ने मुझे बड़ा अच्छा टाइम दिया, बड़े ओबीडियंट बच्चे हैं मेरे। लेकिन उसको मैं सोचती हूँ ना, तो शायद उसने चले जाना था या क्या था, कि वो एक अजीब सी तबीयत का मालिक था, खुश रहने वाला। जब वो मुझे याद है DPS मॉडल टाउन से बच्चे मेरे पढ़े हुए हैं, अभी मेरे पोते भी माशाल्लाह उधर ही जाते हैं। तो जब वो उधर से उसने स्कॉलरशिप होल्डर मैट्रिक में स्कॉलरशिप लिया, फिर उस FSC गवर्नमेंट कॉलेज से किया, वहाँ भी थ्रू आउट स्कॉलरशिप लेता रहा, तो और गोल्ड मेडल उसको वहाँ से भी मिले हुए। उसके बाद फिर वो आर्मी का हो गया, आर्मी का चूंकि मुझे खुद बड़ा शौक था। अच्छा, ये आपका शौक था, कुछ उनको भी खुद उनको भी शौक था, और मुझे बस ये था कि मेरे बच्चे बस बड़े डिसिप्लिन लाइफ गुजारे, गलियों में ना खेले जैसे आजकल का माहौल है। तो बड़ा मैंने शुरू से ही अपने घर का माहौल ना बड़ा इस किस्म का रखा था कि बच्चे स्कूल से घर, घर से स्कूल, कोई एक्स्ट्रा इनके डिसिप्लिन। तो वो मुझे बड़ा शौक था, वो अल्लाह ने कुछ अल्लाह को भी मंजूर था, तो वो माशाल्लाह उसकी उधर सिलेक्शन होगी। तो लेकिन जब वो PM में जा रहा था तो उस वक्त मेरा दिल जो है ना बड़ा एकदम से, ज़ाहिर जुदाई तो मुझे एकदम से हुआ कि मेरा बेटा इतने दिनों के लिए मेरे से दूर जा रहा है, लेकिन बड़ा शुक्र है अल्लाह ने हौसला दिया। तो उधर 2 साल हुआ रहा है, वहाँ भी उसको गोल्ड मेडल मिले, और थ्रू आउट बड़ा अच्छा रहा वो। फिर उसकी पोस्टिंग आई, मैं और मेरे हस्बैंड पहली पोस्टिंग आई थी उसकी जेलम, तो हम दोनों उसको छोड़ने गए थे। अच्छा, जेलम तक? जेलम तक। फिर उसके बाद उसकी ओकाड़ा रही पोस्टिंग, 3 साल वहाँ रहा, वहाँ से फिर उसने अपने आप वॉलंटियर किया कारगिल वॉर में। और हमें नहीं पता था कारगिल वॉर में, शायद मेरे हस्बैंड को पता हो, लेकिन मुझे सच नहीं पता था कि कारगिल वॉर, ना कभी नाम सुना था, बस ये था मुझे खौफ कि सियाचिन मेरा बेटा ना जाए, वहाँ जाएगा तो अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। तो उस बात पे मैं बड़ी खौफजदा रहती थी। तो एक दिन मैं बैठी तो मुझे उसका फ़ोन आया, कहता अम्मी जी वो आपको पता है मेरी गिलगित पोस्टिंग हो गई है, जब उसने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया ना, तो उसके बाद मुझे उसने कहा, तो मैं एकदम फ़ोन पे ना रोई, मैं कहा भाई वो तो बड़ा दूर है पुत्र, इतनी दूर तो ना जाओ तुम। कहते नहीं अम्मी जी वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा होता है, गर्मियाँ आपने वहाँ गुजारनी है, बड़ा अच्छा होगा, मैं आपको बुलाऊँगा ये वो। ठीक है। अच्छा, उससे पहले जब वो आता होता था ना छुट्टी पे हमारे घर, यूँ लगता था जैसे ईद का समा होता, भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, मीठे का एक्साइटमेंट बड़ी होती थी, और मीठे का वो बड़ा शौकीन कि जी मीठा उसके लिए स्पेशल बना, स्पेशल खाने उसके लिए मैं बनाती थी जी, जवाद आ रहा है, जवाद आ रहा है।
तो खैर वो आया पीलीव, उसने गुजारी एक महीना, वो चला गया गिलगित। उसके बाद 31 मई को वो गिलगित पहुंच गया, तो वहाँ से उसका मुझे फ़ोन आया कि मैं पहुंच गया हूँ। तो मैंने कहा मुझे आप ना अपना नंबर दे दो कि मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँ। कहता अम्मी जी नंबर तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ भेज रहे, तो मैं आपसे ना इन कॉन्टेक्ट रहूँ। जून का महीना गुजर गया, आते रहे उसके फ़ोन, कभी हफ्ते बाद कभी दो हफ्ते, तो मुझे यही कहता था यहाँ बड़ा अच्छा मौसम है। मुझे उसने नहीं शो किया कि यहाँ वॉर हो रही है, अपने अबू के साथ 10-10, 15-15 में जितना टाइम उसको मिलता था वो बात करता था। फिर लास्ट फोन मुझे आया था 24 जुलाई को, तो मैं असर की नमाज पढ़ के बैठी, नहीं 24 जुलाई को जब मुझे फ़ोन आया, मैं किचन में थी 12 बजे, तो फ़ोन आ गया तम्मी जी आप कैसे हैं, अबू कैसे हैं, बहन भाई कैसे हैं, तो मैं आपसे ना फिर बात करूँगा। तो उन दिनों वो कर्नल शेर की बॉडी आई थी पिशावर साइड पे ना, तो मैं बड़ी खौफजदा थी। इवन के रात को मैं जब सोती थी ना, तो मेरे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कहीं वॉर है हो रही है, और मुझे आज जाके ज़ाहिर जवाब का ही ख्याल आना। तो आधी रात को जब कोई जहाज़ तेज़ी से गुजरता था तो मैं उठ के बैठ जाती थी कि मेरा जवाब उधर है गया, वह जंग छेड़ गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहना कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आराम से सो जाओ। तो 26 जुलाई को मुझे, मैं असर की नमाज़ पढ़ के बैठी तो मुझे फ़ोन आ गया कि जी हम GHQ से बोल रहे हैं कि कर्नल साहब, तो इस तरह आप कौन बोल रही है? मैंने कहा जी मैं जवाद की मदर बात कर रही हूँ। कहते हैं कि जी सर आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, देखें जी जो बच्चे आर्मी में जाते हैं उनकी माँ को अल्लाह ताला बड़ा हौसला देता है। जब उसने इतना कहा ना, उन्होंने इतना कहा, तो मैं एकदम मैं चीखी, मैं कन्ना साहब जवाद का है? कहता है जी उसको शैल लगा, वो जख्मी है। बस इतना मैंने सुना और उसके बाद मुझे होश नहीं रही। बेटियों ने फटाफट अब्बू को फ़ोन किया, वो आ गए हस्बैंड में मेरे, उन्होंने फौरन उकाड़े फ़ोन किया, तो उधर किसी ने उठाया सिपाही ने, कहते जी वो हमारे एक कप्तान साहब शहीद हो गए, तो कुरान खानी में कन्ना साहब हो गए हुए CO साहब, तो जी जवाब साहब है। मेरे हस्बैंड ने सुना, फ़ोन रखा उधर ही और बाहर जाके निकल गए। तो मैं चीखती, मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ जवाब का है? तो चुप करके बाहर चले गए। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे घर में सब आना जाना शुरू हो गया, तो मैं सबकी शक्लें देख रही हूँ कि इनको कैसे पता लगा कि जवाब जख्मी हो गया, किसने बताया? तो मेरे दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल साजिद मुश्ताक, जिनकी भी शहादत हुई है, तो वो अपना उधर टिन्योर कंप्लीट करके वो आ गए थे, तो वो आ गए, उनकी फैमिली आ गई, मेरे बड़े दामाद, उनकी उस वक्त मेरी एक बेटी की शादी हुई थी, तो सब मेरे घर इकट्ठे हो गए। तो साजिद मेरे पास आया, कहता आंटी आप हौसला रखें, सब ठीक है, जवाद को ला रहे हैं, जवाद आ रहे हैं, पिंडी आ रहे, पिंडी आ रहे, पिंडी आ रहे। मुझे ना पूरा दिन 24 का इस तरह गुजर गया, 26 का, तो 26 का दिन इसी तरह गुजर गया। तो इनके साजिद के बड़े भाई हैं कर्नल अशफाक, वो आए, सब ने कहा कि कहते जी आंटी वो ठीक है, वो आ रहे पिंडी ला रहे। तो साजिद मुझे कहता आंटी सुबह सुबह मैं आपको पिंडी ले चलूँगा। सुबह अजाने हो रही, तो मैंने कहा साजिद चलो बेटा चलते हैं पिंडी। कहते नहीं आंटी, जहाँ घर होता है ना वहाँ ले कर आते हैं, तो जवाद को लाहौर ले कर आ रहे हैं, CMH ले कर आ रहे हैं। तो कब ला रहे? मैं बैठी हूँ, कोई दोपहर के 10-11 बजे सुबह का टाइम होगा। तो मेरे बड़े भाई आए, तो उन्होंने आके मेरे हस्बैंड को कहा कि इतनी देर छुपाओगे, तो अब तुम बता दो। जी आपकी बात, सॉरी आपको इंटरप्ट करना होगा, अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे हम, यही बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास मिसेस तमीना काजी और उनके जो भाई हैं कैप्टन जवाद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ।